विधानसभा में लगातार बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सदन जो है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आता है और लगातार इसको लेकर के सवाल भी खड़े किए जाते हैं। जहाँ एक तरफ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मामले को लेकर के बातें तेज होती हैं और बाबूलाल मरांडी और कई अन्य जो नेता हैं दल बदल मामले को लेकर के विधानसभा में सुनवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हाईकोर्ट की ओर से भी नेता प्रतिपक्ष मामले में सुनवाई हुई और इसमें विधानसभा सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि नेता प्रतिपक्ष जल्द से जल्द यहाँ पर होना चाहिए और लेकर के यहाँ पर विधानसभा सचिव को निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है और साथ ही कहा गया है कि अगर ये नहीं होता है तो आने वाले समय में जब सुनवाई होगी तो उन्हें सशरीर कोर्ट में उपस्थित होना होगा। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी बातें रखी है, सीधे सुनिए उधर शिवपूजन पाठक मीडिया प्रभारी का क्या कुछ कहना है। वहीं कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बातें रखी, सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान भी करते हैं लेकिन हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बातों को उलझा करके रखना चाहती है। वो उलझा करके इसलिए भी रखना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे वरीय नेता हैं, सीपी सिंह जी हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा हैं और भी कई वरीय नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता घोषित कर दे, हम प्रतिपक्ष का दर्जा दे देंगे। क्योंकि बाबूलाल जी का मामला दल बदल कानून के तहत कोर्ट में चल रहा है तो इस परिस्थिति में जिस व्यक्ति के ऊपर दल बदल का मामला चल रहा हो तो उनको हम कैसे प्रतिपक्ष का दर्जा दे सकते हैं, ये तो तकनीकी रूप से भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि भाजपा अब हर हथकंडे को जब आजमा चुकी है तो अब इस तरह के हथकंडे को अपना करके जो है सरकार को अस्थिर करने का और एक प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर इसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का तो बयान भी आ गया, उन्होंने कहा है कि कोर्ट में जो निर्देश दिए हैं वो स्वागत योग्य है और जानबूझ करके जो ये लटकाया जा रहा है मामला इसका त्वरित निष्पादन होना चाहिए और कोर्ट ने जो संज्ञान लेकर के कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसको माननीय विधानसभा अध्यक्ष इसको जल्दी से जल्दी उसको फुलफिल करें, उस पर निर्णय लें। कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि बाबूलाल मरांडी के अलावा भी कई सारे बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें यहाँ पर विधायक दल का नेता बना करके तैयारी कर ले, उस हिसाब से उन्हें मिल जाएगा। इसमें ये तो कोर्ट और विधानसभा अध्यक्ष का मामला है, इसमें तो अभी भारतीय जनता पार्टी का विषय आया ही नहीं है, तो इसमें कांग्रेस क्या कह रही है इसमें हम नहीं समझते हैं। मामला न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुपालन का है, उसके अनुपालन में विधानसभा अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं ये उनका विषय है।